जीत के सब आदमी भाग गया। ये पल्सर 125 है और ये BS6 वेरिएंट है, देख सकते हैं ये 125 BS6 है। इसमें एक फॉल्ट है गाइस देखिए, जिसमें कि मैंने जो है एक सेंसर खोल के रखा है, जिसे कि हम थ्रॉटल पोजीशन सेंसर बोलते हैं, इसे हमने खोल के रखा है। दरअसल बाइक जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो चेक इंजन लाइट है ये जला हुआ ही रह जाता है, और कुछ देर बाद यानी कि एक दो मिनट के बाद जो है फिर जो है ये बंद होता है। और इसके साथ ही इसका जो RPM है RPM भी कम रहता है, करीब 1500 या फिर 1200 की तकरीबन जो है RPM रहता है, और जब स्लो कर देते हैं तो ये बाइक बंद हो जाती है। तो इसके लिए हमने जो है इस मशीन के द्वारा चेक करके देखा, ये OBD स्कैनर मशीन है, हमारे पास टूल्स है, तो इसके द्वारा हमने चेक करके देखा तो यहाँ पे थ्रॉटल पोजीशन सेंसर के बारे में फॉल्ट दिखाया, जिसका कि कोड आएगा आपको P2109 करके इसका कोड आता है। वो कोड जब गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसी सेंसर की जानकारी देगा। तो एक्चुअली ये क्या होता है कि काम नहीं करता है, और ये जो है गाइज ये यहाँ पे लगा हुआ होता है, इस तरीके से ये यहाँ पे लगा हुआ होता है, और जब मैं थ्रॉटल को खींचूँगा तो ये देखिए ये वाला पार्ट जो है ये थ्रॉटल से जो है ये इस तरीके से घूमता है, और यहाँ पे ये सेंसर होता है अंदर में जो गाइज सेंसर जो देख रही है पूरा सेंसर ही है, और इसके अंदर जो है पार्ट को घुमाता है। और ये सेंसर क्या करता है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, थ्रॉटल कितना खींच रहे हैं हम, कितना खींचाया जा रहा है, ये जानकारी ECU तक पहुंचाता है, जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, इसमें जो एक CDI हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक का जो नाम है चेंज हो गया उसका, ECU कॉइल है वो, जिससे कि करंट वगैरह पेट्रोल वगैरह हर चीज़ जो है सप्लाई ECU के द्वारा ही होता है। तो उसे जो है ये मतलब सही जानकारी नहीं पहुंचा सकता ECU को, जो कि हमारी गाड़ी की पेट्रोल की सप्लाई नहीं होगी सही से, या फिर स्पीड नहीं बनेगी, स्लो नहीं रुकेगी, ऐसे बहुत सारी समस्या जो है बनने लगता है। तो हमने इसका फॉल्ट देखा, तो अभी फिलहाल के लिए जो है हमने क्या किया, WD-40 से इसको हमने स्प्रे किया, थोड़ी बहुत क्लीन करके देखा कि देखते हैं, हमने अंदर में भी थोड़ा सा इसके अंदर डाला है WD-40 कि अगर कोई डस्ट वगैरह हो या फिर कुछ कार्बन वगैरह आ गया हो तो वो क्लीन हो जाए। तो हमने इसमें डाला और यहाँ भी डाला, थोड़ा केबल में भी डाला कि चलो देखते हैं ये करके ठीक होता है कि नहीं। तो ये हमने फिलहाल कर दिया और इसको हम लगाएंगे। अगर ये ठीक नहीं होता है, बार बार अगर ऐसा ही होता है, तो आपको शोरूम में जाके ये वाला जो सेंसर है लेना होगा, आपको कहना होगा थ्रॉटल पोजीशन सेंसर दे दीजिए, जो कि बाइक का नाम ही बताना है, पल्सर 125 BS6 वाली है, तो आपको ये दे देगा। और ये आप चाहे तो शोरूम में भी लगवा सकते हैं, जहाँ पे भी मतलब ये स्कैनर टूल्स होगा, जिसके पास भी स्कैनर टूल्स है इस तरह का, उसके पास जो है इस सेंसर को लगवा सकते हैं, क्योंकि जब सेंसर खोलेंगे और लगाएंगे तो यहाँ पे आपको कोड दिखेगा, मतलब वो फॉल्ट दिखने लगेगा फिर से, वो चेक इंजन लाइट जलने लगेगी, जो कि हमें फिर से जो है इसके द्वारा वो रिमूव करना होता है, मिटाना होता है। तो चलिए अभी मैं इसको लगाता हूँ और फिर मैं इसके द्वारा जो है चेक इंजन लाइट को रिमूव करूँगा और देखूँगा कि ये ठीक होता है या नहीं। ठीक, तो चलिए इसे हम लगाते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ इस तरीके से ये होता है गाइस। ठीक है, वैसे यहाँ एडजस्टिंग के लिए भी कंपनी ने ऑप्शन दे रखा है, आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत इस तरीके से। चलिए बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ पहले। ये बाइक स्टार्ट है लेकिन RPM थोड़ा कम है, तो चेक इंजन लाइट यहाँ पे जल रहा है देख सकते हैं, जो कि अभी ये ख़त्म हो जाना चाहिए था बाइक स्टार्ट होने के बाद। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, कोड 3 बता रहा है अभी, ये थ्रॉटल पैडल पोजीशन सेंसर एक ये बता रहा है, दूसरा और चेक करेंगे तो सभी खैर इसी का बता रहा है। तो चलिए इसे हम क्या करेंगे, फ्रीज कोड पे ला के हम इसे एक बार रिमूव करते हैं, ओके करेंगे। तो बाइक को पहले बंद करना होगा हमें,
चलिए, अभी ये जीरो कोड दिखा रहा है, यानी कि ये ख़त्म हो गया। इरेज कोड से जो है हमने इसका सारा फॉल्ट को ख़त्म कर दिया इस तरीके से। अब पीछे आके फिर से अगर चेक करेंगे रेड कोड पर लाके, ये अब ये जीरो दिखा रहा है। चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं, इसे जाएंगे अब फिर से इसे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीरो कोड दिखा रहा है, और आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो इसका चेक इंजन लाइट है गाइस वो ख़त्म हो गया। बाइक स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद जो है चेक इंजन लाइट अब ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन मुझे जो है अभी इसका आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा। आरपीएम हम वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, आरपीएम ये जो मीटर देख रहा है यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो दूसरा चेक करने का तरीका है इस मशीन से भी हम चेक कर सकते हैं, लाइव पीजीएम डाटा। नीचे करेंगे तो आरपीएम जो है मिनिमम अभी 800-700 के करीब में ये दिखा रहा है, बहुत ही कम आरपीएम है। देखिए कस्टमर का कहना है कि एक बार जो है मैकेनिक ने आरपीएम को लेकर यहाँ से या फिर स्टार्टिंग प्रॉब्लम को लेकर जो है यहाँ से छेड़छाड़ किया था इस एयर स्क्रू को। एयर स्क्रू यहाँ पे होता है, ये होता है एयर स्क्रू। जब हम इस बोल्ट को खोलेंगे इसके अंदर एक एयर स्क्रू होता है, तो मुझे लगता है कि इसे हमें चेक करना होगा। बदल करें नीचा से ना, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा टाइट कर दिया होगा, इसको हम लूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आरपीएम बढ़ा है, ये देखिए आरपीएम थोड़ा बढ़ गया है, और चेक इंजन लाइट भी अभी बंद है। ये चेक इंजन लाइट उठा, एक बार हम मशीन से आरपीएम चेक करते हैं। अभी ये जीरो फॉल्ट बता रहा है, अब कोई भी फॉल्ट नहीं रहा इस बाइक में। ओके करेंगे, जीरो फॉल्ट है। नीचे मुझे आरपीएम चेक करना है, लाइव पीजीएम डाटा। नीचे करेंगे देखिए 1034-1100 के आरपीएम में आ चुकी है। अब पहले से आरपीएम यानी कि बढ़ गया, अब ये बाइक बंद भी नहीं होगी और इसमें कोई फॉल्ट भी नहीं रहा, कोई इशू नहीं रहा। अब ये पूरी तरीके से ये बाइक ओके हो चुकी है। अब गाइस अगर ये टूल्स लेना चाहते हैं तो टूल्स मैं खुद इसे सेल करता हूँ। इनमें से दो मॉडल हमारे पास, ये है MH309 Pro और दूसरा है V311, दो मॉडल का है। इसमें कि अगर ये दोनों सेट लेते हैं जो कि मेरे हाथ में है, ये वाला केबल और ये स्कैनर, क्योंकि आपको 4200 से 4500 तक के में मतलब मिल जाएगा, 4500 तक के करीब। और अगर V311 लेते हैं तो दूसरा केबल लेते हैं जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, वो आपको तकरीबन 6000 से लेकर 5500 तक में आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसके द्वारा आप मेरे से ले सकते हैं। तो ठीक है, फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट बाइक जो है ठीक हो चुकी है।